Assalamu alaikum. Welcome to Murree Weather Facebook Live. मैं हूं आपका एडमिन सोजल मलिक और लेटेस्ट वेदर अपडेट के साथ कि इस वक्त एयर प्रेशर एकदम से मलके कुसार मरी में ड्रॉप हुआ है. इंतहाई गहरे बादल मरी के आसमान के ऊपर इस वक्त छा चुके हैं और कश्मीर पॉइंट के मकाम के ऊपर हल्की बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है. और जैसा कि हमने फोरकास्ट किया था कि फ्राइडे से लेके संडे दोपहर तक मलके कोसार मरी में बर्फबारी का इम्कान मौजूद रहेगा, तो एज़ प्रेडिक्टेड बाय मरी वेदर एंड सोजल, आप देख सकते हैं इस वक्त मलके कोसार मरी का मौसम एक बार दोबारा से मस्ताना रोमांटिक वेदर, ठंडा मौसम, फॉगी मरी और हल्की हल्की फ्लोरीज इस वक्त आसमान से गिरते हुए. और इंशाल्लाह ताला ये ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं है, एक से दो घंटे ये मौजूद रहेगा ये बादलों का सिलसिला. और यहाँ पे हल्की फुल्की आसमान से फ्लोरीज, स्लीट ये गिरती रहेगी, हल्की स्नोफॉल भी मुख्तलिफ हायर एलिवेशन के ऊपर होती रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद शाम को ये मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह. और हम उम्मीद करते हैं कि अगले दो तीन दिन यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, सनी डेज़ रहेंगे. लेकिन एक और सिस्टम इस वक्त अपनी इंतहाई ताकत के साथ, यानी वो भी एक ताकतवर सिस्टम है मगरबी हवाओं का, वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ रवा धवा इस वक्त वो मौजूद है जी, ईरान के ऊपर. अगले 24 घंटों में वो अफ़गानिस्तान में दाखिल होगा, 24 से 48 घंटों के बाद वो पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो जाएगा. और 10 तारीख की शाम यानी जुमेरात को वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान हो गया, सेंट्रल पंजाब हो गया, केपीके के एरियाज़ हो गए, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर वो इंटर होगा. और फ्राइडे और सैटरडे को मलके कोसार, स्पेशली सैटरडे को हैवी स्नोफॉल की उम्मीद है हमें उस सिस्टम से भी. तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं, आपको स्नो बैंड नज़र आ रहा होगा. ये देखिए जी, ये एक्सप्रेसवे इस वक्त इनविजिबल होती जा रही है, विजिबिलिटी बहुत पुअर हो गई है इस एरिया में. ये देखें, ये धूप निकली हुई है, लेकिन ये देखें ये बहुत गहरे बादल हैं इस वक्त. और इस एरिया में हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही है कश्मीर पॉइंट के ऊपर, वाइड स्प्रेड नहीं है, हायर एलिवेशन के ऊपर हो रही है, नीचे बारिश हो रही है जो वैली है. तो ये लेटेस्ट वेदर अपडेट हैं. शाहनवाज मुगल आपको वेलकम करता हूँ, एम खान आपको वेलकम करता हूँ जी, मोहसिन प्रिंस, मेराब अब्बासी, सोनिया खुन, मुनिजा इरम शुएब, आप सबको वेलकम करता हूँ. और जिन्होंने सलाम किया सबको वालेकुम सलाम कहता हूँ. आबिद अब्बास साहब आपको भी वेलकम करता हूँ. तो आप इस वक्त देख सकते हैं मलके कोसार मरी का मस्ताना रोमांटिक इंतहाई हसीन दिलकश मौसम. और अपडेट भी दे दूँ जी कि ट्रैफिक की जो सिचुएशन है गैर मामूली रश है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां मरी में मौजूद हैं, सियाहों की बहुत बड़ी तादाद यहां पे है, लेकिन अक्सर जल्दी के चक्कर में डबल लाइन बना रहे हैं, जिसकी वजह से सिटी ट्रैफिक पुलिस और हाईवे अथॉरिटी को बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है. तो मेरी तमाम टूरिस्ट से इल्तमास है कि काइंडली सब्र का मुजाहरा करें, वन वे की खिलाफ वर्जी न करें, सिंगल लाइन की पाबंदी करें. और जो ये बदतरीन ट्रैफिक जैम हो रहा है ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने की वजह से, तो काइंडली इन चीज़ों से बचा जाए. अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करोगे तो रब आपके सफ़र में आसानी पैदा करेगा. तो आई होप कि जो भी आ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें. सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार यहाँ पर आपकी मदद के लिए इस सर्द मौसम में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा मत करें, दूसरे टूरिस्ट की मुश्किलात में भी इजाफ़ा मत करें. निज़ाम चलता रहेगा, स्लो ट्रैफिक चलती रहेगी, ट्रैफिक जैम ना होने दें, बस डबल लाइन ना करें, गलत जगह पे पार्क करके आप ना जाएं. ये जो जगह जगह के ऊपर आप लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं रोड के ऊपर, सेंटर में गाड़ियाँ खड़ी करके डांस कर रहे हैं, गाने शाने लगा रहे हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब करें. सेल्फियाँ बाद में भी बन सकती हैं, गाड़ी को किसी अच्छी जगह पे प्लेस करके निकल जाएं, लेकिन ये बार बार जो आप लोग गाड़ियाँ बीच में रोक के
तस्वीरें बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की निज़ाम में इंतहाई खलल पैदा हो रहा है, बहुत दुश्वारी हो रही है। आपके साथ साथ मरी के लोकल रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों ने लोगों के घरों के गेट के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर दी हैं कि वो भी गाड़ियां नहीं मूव कर सकते। और आपको पता है सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो लिफ्टर्स हैं वो इस स्नोफॉल में काम नहीं कर सकते। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे शहरी होने का सबूत दें और ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें। मोहम्मद रफीक, वेलकम करता हूँ जी। मेरा नाम सोजल मलिक है, आलमगीर हुसैन है, सोनी खान है, हारून खान है, आबिद अब्बास कह रहे हैं जी माशाल्लाह, रिजवान अमान है जी, थैंक यू सो मच। आप इस वक्त देख सकते हैं ये बादलों की मूवमेंट देखें जी माशाल्लाह, ये क्लाउड्स देखें आपको किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, दरख्तों को छू रहे हैं, फिज़ाओं में बुलंद हो रहे हैं और मेरी हाइट इनसे ज़्यादा है, मैं बुलंदी पर खड़ा हूँ। ये वैली में ये अटकेलियाँ कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं ये बादल। और ये देखें क्या खूबसूरत इस वक्त मंज़र है, दिल को मोह लेने वाला ब्रेथ टेकिंग व्यू है जी। जन्नत का समान नज़र आ रहा है, एक झलक नज़र आ रही है जन्नत की। तो आप देखें, इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर ज़रूर करें। ये खूबसूरत नज़ारे, ये पाकिस्तान के मलके कोसार मरी के ये खूबसूरत नज़ारे आप बरह रास्त मनाजिर देख रहे हैं, तो शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि बहुत सारे पीपल तक, बहुत सारी आवाम तक ये लाइव जाए। क्योंकि एक वो वक्त याद करें कि किसी ने शेयर किया था तो आप इस खूबसूरत पेज के ऊपर आए थे और हमारे मेंबर बन गए हैं, आपको ये खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं घर बैठे। तो सबको दावत दें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान से हसीन मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। और इस जन्नत का एक टुकड़ा वादिये गुलजार मलके कोसार इस वक्त उसके मौसम, उसकी खूबसूरती इंतहाई अरूज के ऊपर है, ब्यूटी एट इट्स पीक जी। लेबा अरशद, हेवन ऑन द अर्थ। शर्जील शेख, मरी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम जी। खुर्शीद इम्तियाज जी, हल्की फुल्की बर्फबारी यहाँ पे हो रही है इस वक्त कश्मीर पॉइंट के मकाम के ऊपर, बाकी का गारंटी नहीं है मुझे कि आपके पास धूप हो या माल रोड के ऊपर कुछ ना हो रहा हो। तो कश्मीर पॉइंट से मैं अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हल्की बर्फबारी शुरू है जी। हुसैन साहब, आपको वेलकम करता हूँ जी, खुश आमदेद। और जो नेक्स्ट स्पेल पूछ रहे हैं, मैंने बड़ी डिटेल से उनको बता दिया है, इस लाइव स्ट्रीमिंग के एंड होने के बाद दोबारा से वो सुनिएगा, आपको अगली स्नोफॉल का भी हम बता देंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल यही ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूं कि इस वक्त कश्मीर पॉइंट के मकाम के ऊपर जहां पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हल्की बर्फ़बारी 5 मिनट से शुरू है जी। हूर खान, आपको वेलकम करता हूँ जी। नो नो सुलेमानी टोपी, मैं किसी के नाम नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि अगर मैं सबके नाम पढ़ना शुरू कर दूं तो जो मैंने मैसेज देना होता है ना, जो पैगाम, वो फिर बीच में रह जाता है। एक्चुअल बात यही होती है लाइव का कि आप लोग मुझे सुनें, मेरे पैगाम को सुनें, उस पर अमल करें, उसके बाद जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए तब मैं आपके नाम पढ़ूंगा, नहीं तो मैं अपना पैगाम नहीं दे सकूँगा, सिर्फ आपके नाम पढ़ता रहूँगा। अब मैं आपके नाम पढ़ता हूँ जी। मुर्तज़ा जैतून, आपको वेलकम करता हूँ जी, खुश आमदेद। देखें फोगी फोगी मरी, क्या खूबसूरत व्यू है जी, सुभानअल्लाह। ये देखें, इट्स अमेजिंग व्यू, जिलियन डॉलर। खुर्शीद मुगल हैं, मेहरान खान हैं, यासिर साहब हैं, गुलाम कादिर खोर हैं और मेरे साथ साजिद हुसैन चांडियो हैं, वेलकम करता हूं जी। कैसर रहमानी हैं, आपको खुश आमदीद कहता हूं जी, वेलकम। हुसैन साहब कह रहे हैं जी, सलामती हो सब पर मरी वेदर से। हमारे साथ एडमिन, हमारे प्यारे एडमिन वकास भट्ट, फ्राइडे को कन्फर्म है इंशाल्लाह ताला जी, फ्राइडे सैटरडे को अल्लाह ताला के फजल से करम, फजल करम से होगी और मज़ीद हम उस सिस्टम को मेच्योर होने दें, फिर हम फोरकास्ट इशू कर देंगे, लेकिन पाइपलाइन में वो सिस्टम मौजूद है। आबिद अब्बास ने शेर लिखा जी, भूल कर हमें अगर तुम रहते हो सलामत, तो भूल के तुमको समझना हमें भी आता है। वेरी गुड जी। मुर्दा जैतून कह रहे हैं जी, हम मरी आ रहे हैं, रावलपिंडी से गुजर रहे हैं, चलें जी खैरियत से आ जाएँ, अल्लाह ताला आपको लेके आए। ये देखें जी, धुंध में डूबा हुआ मरी, फॉग ही फॉग, क्या खूबसूरत हसीन मंजर है जी, धुंध देखें, थिक फॉग है। विला निकम्मा, वेलकम करता हूं जी। यासिर शाह, अल्लाह आपको भी खुश रखे मेरे भाई। नवीद अख्तर, माशाल्लाह ग्रेट। माहीन सईद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग लाइव वेदर, इंजॉयिंग इंजॉय करें जी। सोनी खान हैं, मोहम्मद अफजल हैं, विला निकम्मा कह रहे हैं जी, असम एंड उसामा कुरैशी माशाल्लाह कह रहे हैं जी, मैमून रऊफ़ हैं हमारे साथ, वेलकम जी। जफ़र सती, अभी का मौसम है नहीं मेरे भाई, रात का है
किंग नज़ीर, आई मिस यू टू किंग नज़ीर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और खान कह रहे जी कुर्बान, कामरान रशीद हमारे खूबसूरत प्यारे भाई रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज, गुड फोरकास्ट कह रहे हैं जी, वेलकम करता हूँ जी। आलमगीर हुसैन शाह ने शेयर किया जी, तुम महसूस करेंगे करोगे हमसे दो बातें करके, हम ज़माने में ज़माने से जुदा लगते हैं। उमेरी टिम मेरे क्यूट से भाई, ए वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम द फ्लाइट डेक ऑफ फेसबुक ऑन सोशल मरे, यस यू आर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम एलिवेशन ऑफ 7375 feet एबव सी लेवल एंड लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द थिक फॉग एंड लुक एट वाइट ब्यूटी, इट्स अमेजिंग ऑसम वेदर, इनक्रेडिबल वेदर, इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ मरी हिल्स, अनबिलीवेबल सीन्स यू आर वॉचिंग फ्राम मरी। रोना सुहेल राणा वेलकम करता हूँ जी। नईम अशरफ भाईजान परसों आएंगे हम, चलें जी, अल्लाह आपको खैरियत से लेके आए। अरसलान अंसारी कह रहे हैं जी मलिक भाई थैंक यू जी। आमिर सरदी हैं वेलकम जी। नासिर महमूद हैं वाजी वाह। विला निकम्मा कह रहे हैं जी आई मिस यू सोजल, मिस यू टू। अतिया रहमान हैं ब्यूटीफुल वेदर। शीदा खान आप भी जिंदा हैं जी, यहाँ पर मौजूद हैं, चलें जी। इमरान अली अमान वेलकम करता हूँ। कारी राशिद हैं वेलकम जी। सोनिया जी, सोनिया जी नेमतुल्ला हैं। इनाम बड़ा अच्छे हैं। मिठा सही क्या हाल है? नद्दा सही अलहमदुल्ला, अल्लाह का लख लख शुक्र है, तोड़ा क्या हाल है? मोहम्मद मेहताब सती हैं जी इस्लामाबाद से वेलकम करता हूँ जी। मुर्दा जैदून अबव सी लेवल, बिल्कुल जी अबव सी लेवल, आई एम स्टैंडिंग एट द एलिवेशन ऑफ 7375 feet। किंग नज़ीर वेलकम जी। कारी राशिद को खुश आमदीद कह रहे हैं जी। मरी वेदर से हमारे प्यारे से एडमिन हुसैन साहब, कमाल वेदर आशिक खुसा जी। नईम अशरफ मौसम बहुत प्यारा है जी। काशिफ तारिक राजपूत मेरा प्लान कैंसिल हो गया, ओहो चलो जी अगली बार बना लीजिए। मोहम्मद अफान जी मेरे भाई, डॉक्टर अंजुम नागरा माशाल्लाह। और रेस सनो शुरू हो गई है जी, हल्की फुल्की है, ज़्यादा नहीं है जी। फ्लोरीज आ रही हैं आसमान से वक्फे वक्फे से, लेकिन ये धुंध देखें, ये फॉग देखें, क्या खूबसूरत मस्त मौसम है। धुंध में डूबा हुआ यख बस्ता मरी की फिजाएँ। मोहसिन हसन मंडे का क्या सीन होगा जी? मंडे का ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है जी। वेला निकम्मा यू आर कमिंग फ्राम गुजरांवाला, यू आर कमिंग अगेन फ्राम गुजरांवाला, ओके जी। नूर अहमद खान, नज़ीर नुसरत नज़ीर हैं जी। ब्यूटीफुल वेदर, यस ब्यूटीफुल इज़ स्मॉल वर्ड, कोई और चीज़ यूज़ करें। अच्छा जी 9 जनवरी को रहमत साहब आ रहे हैं जी, आ जाएँ। अच्छा जी अब वेला निकम्मा ने कहा जी गोइंग बैक, चलें जी अल्लाह ताला आपको खैरियत से गुजरांवाला ले जाए। जहजट वेरी नाइस। काशिफ अशरफ मियाँ साहब सुनो है क्या? कौन से मियाँ साहब जी? मैं मियाँ साहब नहीं हूँ, हल्की फुल्की बर्फ़ है जी। तैयब वेलकम करता हूँ जी। काशिफ तारिक राजपूत, रोड्स की क्या हाल है? कार्स तो रुक रहे हैं, बिल्कुल जी बहुत बुरी सिचुएशन है। सियाहों का गैर मामूली रश है, ट्रैफिक स्लो है, बदतरीन ट्रैफिक जैम भी है, तो चलता है जी। सीज़न में तो चलता है, जब लोग इतनी तादाद में आएंगे तो ट्रैफिक जैम तो होंगे जी। और इस मौसम को देखें कौन मिस करेगा, बर्फ़ भी पड़ी हुई है और ये फॉग भी देखें, इस हसीन मौसम को, इस रंगीन मौसम को कौन मिस करना चाहता है? कोई मिस नहीं करना चाहता जी। ये देखें क्या खूबसूरत व्यू है इस वक्त। खुर्शीद इस्माइल थैंक यू जी। अब्दुल अरशद अमरदा जैतून कह रहे हैं उफ किलिंग फॉगी स्नो मरी, सर्दी का सोच सोच कर जान निकल रही है, तो फिर आए जी मज़े करें। नूरदीन महसूद हमारे साथ हैं, वेलकम करता हूँ जी। कौन पढ़े हैं जी राहों में? रिजवान शेख आप राहों में नहीं पढ़े हुए। माहीन सईद ये क्या बर्फ तेज़ हो गई है? नहीं जी अभी तेज़ नहीं हुई है, हल्की फुल्की है। तलहा साबिर हैं हमारे साथ, आज तो सनी ही नहीं होना था, वेदर सनी था जी बिल्कुल, सुबह आपने मेरी लाइव देखी होगी सनी, लेकिन आपको पता है मरी का अपना भी एक मौसम है जिसको हम लोकल वेदर कहते हैं, लोकल डेवलपमेंट यहाँ पे होती रहती हैं, तो इस वक्त लोकल सिस्टम एक्टिव हो गया है। और लोकल सिस्टम जब एक्टिव होता है तो मरी तो वो है कि इसके बारे में कहा गया है कि धूप भी निकली हो तो अम्ब्रेला के बगैर नहीं निकलते। ये देखें ये खूबसूरत मंजर देखें जी, स्क्रीनशॉट कैप्चर करते रहें। ये बहुत अमेजिंग व्यू है, दरख्तों के अंदर बादल घूम रहे हैं, मटर गश्तियाँ कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और ये क्लाउड्स देखें सुभान अल्लाह, और मेरी तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जिलियन डॉलर व्यू है जी, ये देखें कोहर में डूबे हुए समा है, धुआं धुआं समा है, सुहाना सहाना ऐसे ही कहा गया है, तो इट्स अमेजिंग वेदर जी सुभान अल्लाह। ये देखें ये बादल मेरी तरफ आ रहे हैं, अभी देखिएगा ये क्लाउड्स मेरी तरफ मूव कर रहे हैं, अभी
ये मुझे छुएंगे और मैं गुम हो जाऊंगा। और ये देखें, ये सामने बिल्डिंग इनविजिबल होगी, नहीं नज़र आ रही है। अब थिक क्लाउड्स आ गए हैं, लो लेवल क्लाउड्स, इंतहाई खूबसूरत मंज़र। और ये मंज़र तो देखें जी, ये तो जिलियन ट्रिलियन डॉलर व्यू है जी। इस दरख्त को देखें धुंध में डूबे हुए। ऐसे कासम खान कहने जी, कब दर्द बदलते हैं, कब हाल बदलता है। हाँ, साल बदलने से बस साल बदलता है। वाह क्या बात है जी। देख नज़ीर, आपकी दुआओं का शुक्रिया। अब्दुलरहमान कुरैशी मुल्तान से हैं, कह रहे हैं जी ज़बरदस्त। अख्तर हुसैन गोल्ड समेत हैं जी, वेलकम करता हूँ। सैयद शाह जैन, अना फरूख हैं, वो कह रही हैं वेलकम जी। सोनिया खान, बस गुम ना हों, हम तो गुम हो जाएंगे। ये देखें आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये देखें व्यू, गुम होने वाला, बादलों में डूब जाने वाला व्यू है। इस वक्त हम डूब रहे हैं बादलों में और आप हमारे साथ डूब रहे हैं। यू कैन फील रिजवान शेख सर, कीप यूर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी, थैंक यू सो मच। प्रिंस गौस कह रहे हैं जी, कौन सी जगह है जी, मलके गुसार मरी। ये देखो जी, हमारे स्नोमैन को हमने नंगा कर दिया, उसकी कैप उतार ली, उसके ग्लासेस उतार लिए। ये देखें जी, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा स्नोमैन हमारे सहन में मौजूद है। मोहम्मद मेहताब, थैंक यू जी, शेयर ज़रूर करें जी। अब आप सबने देख ली तो शेयर का बटन दबाएं जी, शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को। एम रहमान कैप्टन पूछ रहे हैं जी, भाई इसके अलावा कौन सा काम करते हैं। भाई यही काम करते हैं। फरा शेख हलीम, गुड आफ्टरनून जी। नादिया तलत हैं, पिंडी से होके आपके साथ मरी इंजॉय करते हैं। चलें जी करें जी। टेम्परेचर तलत साहब इस वक्त 1 है। अमीर हमज़ा वेलकम करता हूँ जी। काशिफ अशरफ, अमीर हमज़ा ने बहुत लंबा मैसेज किया जी, मलिक भाई आई एम दिशान, आई एम रियली सॉरी, एक दफ़ा गलत कमेंट हो गया था तो मेरे कमेंट ऑफ हैं और मुझे अब अपनी आईडी में मरी वेदर पेज सर्च करके देखना पड़ता है, कमेंट्स करने से भी महरूम हूँ। प्लीज़ अगेन एंड अगेन रियली सॉरी भाई कि आईडी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डेयर सोजल भाई, अमीर हमज़ा साहब और इसके अलावा और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, हमने एक सिस्टम लगाया हुआ है, अगर आप कोई बैड कमेंट करेंगे किसी एडमिन के खिलाफ, मरी के खिलाफ नफ़रत फैलाने वाला कोई मैसेज करेंगे, कोई गाली देंगे, अब्यूज़ करेंगे, तो आप ऑटो ब्लॉक हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे बस में नहीं है कि हम उसको रिमूव कर दें ब्लैक लिस्ट से। तो काइंडली सोच समझ के, 10 बार सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, कोई भी किसी एडमिन के खिलाफ किसी भी नफ़रत अंगेज़ कमेंट करने से गुरेज करें, आप ऑटोमेटिकली इस खूबसूरत पेज से बैन हो जाएंगे। फिर लाइफ टाइम बैन है ये हम नहीं खोल सकते। एडमिन डिसीजन इज़ लास्ट डिसीजन, जो भी ब्लॉक होगा वो इस पेज के ऊपर ज़िंदगी में दोबारा अब उस आईडी से कमेंट करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि इस्लाम में भी बयान किया गया है, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, तो ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करें जहाँ पर किसी की दिल आज़ारी हो, जहाँ पर नफ़रत अंगेज़ तकरीर हो या हेट स्पीच हो, तो वो ऑटो ब्लॉक हो जाएगा जी, हमारे बस में नहीं है। तो अमीर हमज़ा साहब, मेरी तरफ़ से माजरत है, आप कोई और आईडी बना लें उससे फिर कमेंट करें, आपकी पुरानी आईडी को हम रिस्टोर नहीं कर सकते, ये मेरी मजबूरी है जी। तो इसीलिए आइंदा आप सोच समझ के कोई कमेंट करें, आप ऑटो ब्लॉक होने से बच जाएँ। बहुत सारे फॉलोअर यहाँ पर ऑटो ब्लॉक हो गए हैं, तो वो फिर नई नई आईडी बना के आते हैं, उनकी जो ऑफिशियल आईडी होती हैं, ओरिजिनल आईडी होती हैं, वो फिर इस के शिकंजे में आ जाती हैं जो हमारा सिस्टम पेज के ऊपर लगा हुआ है फिल्ट्रेशन। तो रिक्वेस्ट है जी। एम साकिब सर्वर कम हो, आपको वेलकम करता हूँ। हूर खां हाय, मैं नंगा सुनो मैन इन दिस कोल्ड वेदर जी, उसको सर्दी लग रही है हूर खान। मलिक उमर सईद अमान, अस्तगफुल्ला एडमिन ना हुआ खुदा हो गया। मलिक सईद अमान, ऐसी बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, और अगर आपने जिस तरीके से ये मैसेज किया, हो सकता है कि नेक्स्ट आप भी ब्लॉक हो जाएं, तो ये फ़िल्टर लगा हुआ है जी, हमारी मजबूरी है, ये फैमिली पेज है, इसके ऊपर हम फ़िल्टर मूव नहीं कर सकते। इनको फैमिलीज़ भी देखती हैं, स्पेशल फीमेल फॉलोअर भी देखती हैं, और वो आप जैसे लोगों की फिर गंदी ज़बानें नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो इसलिए हमने ये फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो आप भी थोड़ी सी
कोशिश करें कि कोई हैर्श वर्डिंग यूज़ ना करें, ये ना कि आप भी ब्लॉक हो जाएं। जी कौन कह रहे हैं जी, एम एम खान आपका नाम ले लिया जी, आदिल बाजवा वो कर दें ब्लॉक जी, चलें जी जिसको शौक़ होगा वो गाली दे दे, वो खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगा जी, हमें क्या। शेख उस्मान गुड जी, शेख जोजो आपको वेलकम करता हूँ, मोहसिन कैसे हैं आप जी, एस ए कासिम साहब आपको वेलकम करता हूँ, ये देखें जी थोड़ी सी विजिबिलिटी इज़ बेटर नाउ, और ये देखें फॉग में डूबे हुए दरख्त। इस्मतुल्ला मरवत कह रहे हैं जी बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू जी। सोनिया खुन कह रहे हैं जी माशाल्लाह। अब्दुल करीम कह रहे हैं जी मैं भी मरी आ रहा हूँ, आ जाएँ जी। असीम मोहम्मद कह रहे हैं जी बहुत खूब जनाब। मोहम्मद अलवी कह रहे हैं जी जनाब सबको ब्लॉक कर दो और आप बोलते रहो। मोहम्मद अलवी देखें मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा, आप गाली दे के अभी देखें आप ब्लॉक एक सेकंड में ब्लॉक हो जाएंगे, तो गलत वर्ड यूज़ ज़रूरी करना है, आप मुसलमान हैं तो जब आप गलत वर्ड यूज़ करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। शौक़ है तो कर लें, हमें कुछ नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं करते, आप हमारी टेंशन ख़त्म होगी। और कह रहे हैं जी मलिक साहब फील आई एम बैक इन मानसून, जी बिल्कुल ये मानसून वाला ही मंजर है, ये देखें ये बिल्डिंग थोड़ी सी नज़र आना शुरू होगी, ये विजिबिलिटी इज़ बेटर नाइट। आबिद बस कह रहे हैं जी मैं भी ऑटो ब्लॉक की नज़र हो गया हूँ, कब जी, अभी नहीं हुए, आप तो कमेंट कर रहे हैं जी। हारून अफरीदी वेलकम जी, अवैस लई थैंक यू सो मच जी। काशिफ सदुजई कह रहे हैं जी दुबई से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया जी, शेयर करें इस खूबसूरत मंजर को। अब्दुलरहमान कुरैशी कह रहे हैं जी एग्जैक्टली, थैंक यू जी अब्दुलरहमान कुरैशी साहब। जैद अंसारी साहब आपको वेलकम करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। अमल खान मैं भी आ रहा हूँ सोजल ब्रदर इस वीकेंड पे आ जाएं जी, आपको बड़ी अच्छी बर्फ़ मिलेगी सैटरडे को, वीकेंड पे आ जाएं फ्राइडे सैटरडे आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, इससे भी अच्छी हो सकती है जी, इससे भी हैवी हो सकती है। हामिद खान वालेकुम अस्सलाम जी वेलकम करता हूँ, खुश आमदेद जी। और देखें अब थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी हो गई है, तो मैं आपको ये दरख्त भी दिखा रहा हूँ, सुबह ये दरख्त बर्फ़ से ढके हुए थे, फिर धूप निकली, धूप निकलने से इनके ऊपर जो बर्फ़ थी वो गिर गई, पिघल गई ज़मीन के ऊपर, अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें जी। मलिक उमर सईद अवान कह रहे हैं जी मलिक साहब अल्लाह भी माफ़ करने वाले को पसंद करते हैं, मलिक उमर सईद अवान आपको अगर बहस करने की ज़रूरत है तो करते रहें जी, मैं आपके कमेंट पढ़ने को भी अब तोहीन पसंद करूंगा जी, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आप को वो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रही, आप वही वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं कि जो आपको ऑटोमेटेड ब्लॉक कर दें, तो आप अगर आप ब्लॉक हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते जी। नुमान खालिद वेलकम करता हूँ जी, सैयद ईशा खान आपको भी वेलकम करता हूँ, हुरैन अमान लव यू मरी, बिल्कुल जी मरी है ही ऐसी जगह, इससे इश्क हो जाता है जी। इनामुल्ला मरवत आपने सही कहा, इन लोगों की तरबियत फिर ऐसी होती है, गालियाँ और बहस करना, जिस तरीके से अभी ये एक साहब आए हुए थे लेक्चर तो ऐसे दे रहे थे कि जैसे पीएचडी स्कॉलर हैं, लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज देख लीजिए, तो वो खाम खा बहस कर रहे थे, मौसम की खूबसूरती को छोड़ के वो इस चीज़ में आ गए जी। हम तो माफ़ कर सकते हैं सोनिया खान, आपने 100% सही कहा जी, हम तो माफ़ कर सकते हैं, हम तो इग्नोर कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी कि हम ब्लॉक करें या ना करें, लेकिन जो फेसबुक है वो तो माफ़ नहीं कर सकता ना, उसको तो हमने कमांड दे दी है, उसको हमने वर्डिंग दे दी है कि फ़िल्टर करके ये वर्ड्स हैं, अगर ये कोई यूज़ करे तो ऑटोमेटिक ब्लॉक, तो फेसबुक तो माफ़ नहीं कर सकता, हम इंसान माफ़ कर सकते हैं। फारूक हुसैन थैंक यू सो मच जी, आमिर खुर्शीद वेलकम जी, सैयद ईशा खान ब्यूटीफुल मरी, बिल्कुल जी नो डाउट हसीन मरी, देखें क्या खूबसूरत मंजर है जी। जी ऐशा कंवल सही कहा, इंजॉय करें जी, हमने उनको छोड़ दिया उनके हाल के ऊपर, वो इस असल में इस खूबसूरती को देख के भी लोग जल जाते हैं ना, जिनकी नेचर में लिखा होता है जलना, तो वो जल जाते हैं जी। मेरी टीम आई एम प्लानिंग टू विजिट मरी इन वीकडेज इंस्टेड ऑफ वीकेंड, यस दैट्स बेस्ट ऑप्शन, वीकेंड पे ना आए, बहुत रश होता है, वीकडेज में आप प्लान करके, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीकडेज में आ जाए। उमर राजा वेलकम जी, हामिद हुसैन वेलकम करता हूँ, फैसल मंसूरी आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, थोड़ा बादल को कराची भेज दें, चलें जी भेजते हैं। सारा अमन यूसुफ फिर से बर्फ़ जी, फिर से साबिर हुसैन माछी हमारे साथ हैं, वेलकम करता हूँ जी। शान एस वेलकम जी, फैसल महमूद लीव कर दिया जी, छोड़ दिया उनको उनके हाल पर,
और नकाश शाह तरीन कह रहे हैं जी होटल माफिया और ये बेचारा गया, ये माफिया का वर्ड इसने यूज़ किया और ये बेचारा गया। चलें जी, हम कुछ नहीं कर सकते, फेसबुक इज़ डूइंग वेरी वेल। मलिक हसन, हम रास्ते में वापस चले गए, अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। स्विट्ज़रलैंड इन फर्स्ट लुक, यस जी। तारिक अब्बास, स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा प्यारा है जी हमारा मुल्क। हाशिम खान राव हैं जी, भाई जगह चाहिए नियर कश्मीर पॉइंट फॉर हाउस। नहीं जी, यहाँ पे बैन है घर के लिए, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दूसरा ये कि बने बनाए घर हैं, जो कम से कम जो कीमत है वो 5 से 6 करोड़ है एक छोटे से घर की, तो 5 से 6 करोड़ रुपया हो तो फिर आप घर खरीद सकते हैं। इससे ऊपर 20 करोड़ की भी कोठियाँ हैं, 5-6 करोड़ एक दो कोठियाँ हैं, और उसके बाद 20-30 करोड़ की जो बड़े घर हैं वो हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पे फ्लैट ले सकते हैं, वो भी अच्छा फ्लैट तकरीबन 1.5 करोड़ का है, और नॉर्मल जो है जहाँ पे रास्ता भी नहीं होगा, पार्किंग भी नहीं होगी, वो आपको 25 से 30 लाख में मिल जाएगा एक कमरा। अब्दुलरहमान कुरैशी कह रहे हैं जी हसीन नज़ारा जी। शुजा अतारी साहब, आपको वेलकम करता हूँ जी, खुश आमदेद। अरब से देख रहे हैं जी अली खान, आपको भी वेलकम करता हूँ जी। ये देखें सामने झीका गली, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, एक्सप्रेस वे बिल्कुल बंद है, और ये व्यू देखें जी, सुभान अल्लाह। ये सामने दरख्तों में देखें, धुंध को देखें। रिचर्ड पैट्रिक, हम इधर मुफ्त की सर्दी में टटर गए चिलास, ओ विदाउट स्नोफॉल। हुरैनवान वेलकम जी। आर्ट्स मुनीर नाजगा, आपको वेलकम करता हूँ। मदीना मदीना हैं जी, सवाबी से वेलकम करता हूँ जी। सैफ निज़ामानी हैं, शान एस हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत व्यू है जी, इंतहाई अमेजिंग व्यू है जी। ये देखें दरख्तों को देखें, धुंध में डूबे हुए दरख्त, और शेयर ज़रूर करें जी इस लाइव स्ट्रीमिंग को। हुज़ैफ़ा खट्टक कह रहे हैं जी, आप मेरी बात का भी जवाब दे दें, मैं दुबई से देख रहा हूँ आपको। चलें जी, आपको जवाब दे दिया जी, हुक्म करें क्या पूछना है मेरे भाई। नूर मोहम्मद जी, क्या रेंट है भाई होटल रूम का? पता नहीं जी, हम तो होटल वाले नहीं हैं, होटलों को डील नहीं करते। हाँ ये है कि हमारे रेफरेंस से आपको मरी के चंद होटल आपको 25 से 30% डिस्काउंट दे देते हैं, वही बड़ी बात है जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमान नियाजी हैं, वेलकम करता हूँ जी। नेक्स्ट वीक की अपडेट मैंने कर दी है जी, इस लाइव स्ट्रीमिंग के एंड के ऊपर, फिर आप देखिएगा सुनिएगा दोबारा से, और तफसील से मैंने बता दिया है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ जी इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। अब आप अपने एडमिन सोजल मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला दोबारा किसी अच्छे मकाम से आपके साथ लाइव आएंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह आप सबको खुश रखे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।